While various media organizations are running reports that a probe by Delhi police has revealed that 21 AAP MLAs have 24 criminal cases against them, Delhi police will be wrapping up investigations in these cases and filing charge sheet in concerned court soon. Top cop B.S. Bassi has rubbished such reports, saying that he was not aware from where such news was being spread. मुझे ये भी पता नहीं है कि आपको ये इस प्रकार की जानकारी कहां से मिली है, क्योंकि इस प्रकार की गिनती मैंने तो कभी की नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा, अगर कोई भी इस प्रकार के केसेस जो पेंडिंग हैं उन पे हमारा उद्देश्य ये है कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन की जाए। इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स सामने आते हैं उन फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए जो भी हमें कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश करनी है वो हम रिपोर्ट पेश करें। वो रिपोर्ट चार्जशीट भी हो सकती है अंडर सेक्शन 173, वो कैंसिलेशन रिपोर्ट भी हो सकती है, वो अनट्रेस रिपोर्ट भी हो सकती है। अगर हमें लगेगा, मान लीजिए किसी को हम गिरफ्तार कर चुके हैं, तो गिरफ्तारी के बाद अगर हमें लगता है कि उस व्यक्ति को हमें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, हम एक 169 CRPC के तहत उसको डिस्चार्ज भी करवा सकते हैं। पावर्ड बाय NNIS।